हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू द जोश बैच। तो आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर्स देखेंगे इस वीडियो में। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन इट। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो बाइनरी फिजन अकर्स इन, बाइनरी फिजन कहां पर हमें देखने को मिलेगा? तो अमीबा में देखने को मिलता है, पैरामीशियम में देखने को मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द साइटोसिन इज 18%। तो इन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? साइटोसिन दे रखा है 18%। देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एडिनिन, एडिनिन की परसेंटेज निकालनी है। कैसे करेंगे? चारगाफ का रूल क्या कहता है? अगर साइटोसिन 18% है तो गुआनिन भी 18% होना चाहिए। गुआनिन और साइटोसिन दोनों मिला के हमारे हो गए 36%। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या? ए प्लस टी। और ए प्लस टी क्या होगा हमारा? 100% में से टीसी को हटा देंगे, तो 100 माइनस 36, तो ए और टी मिला के 64, अकेला ए 32%, अकेला टी 32%। Then next, which one forms endosperm after fusion with the male gamete? Male gamete के साथ fusion होने के बाद कौन endosperm बनाता है? तो oospore तो यहाँ पे है नहीं, antipodal काम नहीं करते, synergid participate नहीं करते, तो secondary nucleus हमने कहा था male gamete के साथ fuse होता है, primary endosperm nucleus बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाता है। नेक्स्ट, वन जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर। ठीक है, अब इवन दो एनसीईआरटी में ये चीज नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा था स्मार्ट स्टडी, हमें पता है कि डोमिनेंस क्या होता है। डोमिनेंस दो जीन पेयर के बीच में नहीं था, डोमिनेंस वॉज बिटवीन टू अलील्स ऑफ सेम जीन। म्यूटेशन हमने क्या कहा था? जेनेटिक चेंज। तो बी हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता। इन्होंने क्या कहा? वन जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर, एक जीन का पेयर दूसरे जीन को छुपा लेता है, तो दैट इज द एपिस्टेसिस। एक जीन की प्रेजेंस में दूसरा जीन काम नहीं कर पाता। नेक्स्ट, अ सीक्वेंस ऑफ थ्री बेसिस ऑन टीआरएनए, सीक्वेंस ऑफ थ्री बेसिस ऑन टीआरएनए इज, टीआरएनए के पास जो तीन बेसिस हैं उसको क्या बुलाते हैं? उसको हम बुलाते हैं एंटीकोडॉन। नेक्स्ट, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था तो ये तो नहीं हो सकता। प्योरिटी ऑफ गैमेट, प्योरिटी ऑफ गैमेटी क्या थी हमारी? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बोल रहे थे। लिंकेज का कॉन्सेप्ट हमने कहा था मॉर्गन का है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डायहाइब्रिड के बेसिस पे मेंडल ने दिया था, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, लेकिन लिंकेज नहीं दिया था। नेक्स्ट, डोडो क्या है? डोडो के बारे में हमने बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि डोडो एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो ओवम इज एग, हैप्लॉइड होता है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड, जाइगोट 2n, 2n वाला स्ट्रक्चर कौन हो गया हमारा? जाइगोट। विच वन इज हाइड्रोफाइटिक, हाइड्रोफाइटिक हाइड्रो पानी। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछना चाहा इन्होंने? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अक्वेटिक, ओपुंशिया डायलबर्जिया अकेशिया, ये सारे हमारे क्या हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। और ट्रापा हमारा क्या है? पानी वाला सिंघाड़ा, वाटर चेस्टनट।
नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन मेल, तो ह्यूमन मेल हमें पता है 44 + XY, 46 के साथ एक्स वाई नहीं है, फिर तो 48 क्रोमोसोम्स जाते, तो गलत हो जाता, एक्स हो नहीं सकता, 46 के साथ एक्स वाई होगा नहीं। राइनो की सेंचुरी कहाँ पे थी इनमें से? राइनोसेरोस के लिए, करेक्ट, राइनोसेरोस के लिए हमने पढ़ा था असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिमिडीन्स प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए की अगर हम बात करेंगे, आरएनए के पास हमें साइटोसिन मिलेगा, आरएनए के पास हमें यूरासिल मिलेगा, थाइमिन आरएनए के पास होता नहीं है, एडिनिन इज नॉट अ पायरिमिडीन, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, साइटोसिन एंड यूरासिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, ग्रीन हाउस गैस के लिस्ट में N2O था ना कि N2। नेक्स्ट, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा रिजर्व, यस टाइगर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फूड चेन, तो ग्रास वीट मैंगो, ये तो तीनों ही प्रोड्यूसर्स हो गए, गोट काउ ग्रास, गोट काउ ग्रास ये भी नहीं लग रहा, ग्रास गोट लायन, बिल्कुल सही, ग्रास को फिश फिर गोट हो नहीं सकता। न्यूक्लियोसाइड इज, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में हमने कहा था वी हैव अ शुगर एंड अ नाइट्रोजेनस बेस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट बनाने की क्या प्रोसेस है, गैमीटोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस से स्पोर बन रहे थे। नेक्स्ट, नेशनल पार्क में किस किस को हम प्रोटेक्ट करते हैं, तो फ्लोरा और फोना दोनों को हम करते हैं, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी हमने क्या कहा था, प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूसर कर रहे हैं वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कंज्यूमर्स जो कर रहे हैं वो सेकेंडरी, और उसमें से भी मेजर रोल किसका होगा, हर्बीवोर्स का। नेक्स्ट, वॉल ऑफ पोलन ग्रेन, वॉल ऑफ पोलन ग्रेन हमने कहा था इट इज मेड अप ऑफ एक्साइन एंड इट इज मेड अप ऑफ इंटाइन, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस, तो ड्रोजेरा और नेपेंथीस बोथ आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, क्लोरेला इज अ टाइप ऑफ, क्लोरेला किस चीज का टाइप है इनमें से, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या सिंगल सेल प्रोटीन, क्लोरेला इज अ सिंगल सेल प्रोटीन, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है। और फाइव किंगडम सिस्टम को अगर हम देखें तो ये प्रोटिस्टा के अंदर चला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे किसी के पास नहीं जा रहा। क्राइजीन प्रिवेंट्स विच क्रॉप, बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस का क्राइजीन किसको प्रोटेक्शन दे रहा था, यस कॉटन को। प्यूरीन बेसिस ऑफ डीएनए, तो डीएनए में क्या मिलेगा, एडिनिन और गुआनिन, कहाँ पे अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपोगेशन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, नन, ए बी, तो हमने क्लियरली कहा था माइक्रो प्रोपोगेशन जो है हमारा, द टेक्निक वॉज टिश्यू कल्चर, और हमने कहा था दिस कंप्लीट प्रोसेस इज एसेक्सुअल। फिर एरल इज एडिबल इन विच पार्ट, एरल की अगर हम बात करते हैं तो इट वॉज द आउटर फ्लेशी पार्ट ऑफ इट इज लाइक अ थर्ड आउटर मोस्ट इंटेग्यूमेंट, तो लीची के बाहर जो हम फ्लेशी पार्ट खाते हैं दैट इज एरिल,
इसमें एरल को हम खाते हैं। लीची में जो आप उसका पिंक कलर का कवर उतारते हो वो उसका पेरिकार्प है। लीची इज अ ड्राई फ्रूट, उसका पेरिकार्प डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। और जो लीची में फिर वो ग्रे कलर का फ्लेशी पार्ट खाते हो वो उसका एरल है, वो थर्ड इंटेगमेंट है जो बाहर आके फ्लेशी होता है। नेक्स्ट, SO2 पोल्यूशन के इंडिकेटर्स कौन हो सकता है? इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन, करेक्ट, लाइकन्स SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर्स। द फ्लावर ऑफ इडली एंड डोसा, इडली और डोसा ल्यूकोनोस्टॉक स्ट्रेप्टोकोकस करा रहे थे बैक्टीरिया, में ईस्ट का रोल नहीं था। एगरोज इज एक्सट्रैक्टेड, एगरोज कम्स फ्रॉम अगार अगार, अगार अगार कम्स फ्रॉम जेलीडियम एंड ग्रासिल एरिया, दे कम फ्रॉम जेलीडियम एंड ग्रासिल एरिया, बोथ ऑफ देम आर रेड एल्गी, बोथ ऑफ देम आर सीवीड। नेक्स्ट, ओपरॉन मॉडल किसने प्रपोज किया था? हमने कहा था लाक ओपरॉन का मॉडल पहला डिस्कवर था बाय जेकब एंड मैड। बायोगैस कंटेन्स, तो बायोगैस में हमने कहा था CO2, H2, CH4 सब होता है। इन विच स्टेज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस? क्रॉसिंग ओवर से ही हमने कहा था रिकॉम्बिनेशन होती है, तो रिकॉम्बिनेशन कब हो रही है? करेक्ट, टेक्स प्लेस इन पैकेटिन स्टेज। एवरी लिविंग सेल ऑफ अ प्लांट कैन गिव राइज टू द होल न्यू प्लांट, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, हमने कहा था द एबिलिटी टू रीजनरेट। एबिलिटी जो है ये बात कर रहे हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो दैट इज योर एबिलिटी, तो टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म? डायरेक्ट क्वेश्चन, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन गैमेट? डायरेक्ट क्वेश्चन है 23। व्हाट डज ओपरॉन मॉडल रिप्रेजेंट? तो ओपरॉन को हमने कहाँ पढ़ा था सारा का सारा? जीन रेगुलेशन के लिए, कि जीन को कब काम कराना है, जीन को कब काम नहीं कराना। थैलेमस इज एडिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग? थैलेमस वाला पार्ट हमने कहा था फॉल्स फ्रूट का फीचर है, एप्पल, पियर। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन? TMV में हमने क्या पढ़ा था? टोबैको मोजैक वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो करेक्ट ऑप्शन इज अ बैक्टीरियोफाज। फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन? फ्लो ऑफ एनर्जी वॉज एसेंशली यूनी डायरेक्शनल। सन की एनर्जी प्लांट, वापस सन पे तो नहीं जा रही, प्लांट की एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्शरी कंज्यूमर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर? बैसिलस थ्योरेंजेंसिस, इट वॉज फॉर बायो कंट्रोल, नॉट अ फर्टिलाइजर। नेक्स्ट, एंटीकोडॉन्स कहाँ होते हैं? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, टी आरएनए के पास एंटीकोडॉन है, एम आरएनए के पास कोडॉन थे। नेक्स्ट, मेंडल ने क्या प्रपोज किया? लॉ ऑफ लिंकेज, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, यस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो पीछे एक क्वेश्चन गया था हमारा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। कभी ध्यान देना जब भी आप क्वेश्चंस करते हो ना, तो क्वेश्चन पेपर में एक दो क्वेश्चन का आंसर आपस में किसी के ऑप्शन से ही निकल के आ जाता है। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट मैच, कोनिडिया पेनिसिलियम करेक्ट है, जूस्पोर क्लेमाइडोमोनस ये भी करेक्ट है, बड इन ईस्ट करेक्ट, बल्बल एंड ब्रायोफाइलम गलत। इनकरेक्ट मैच बताना था, बल्बल अगेव का फीचर था, ब्रायोफाइलम का नहीं, ब्रायोफाइलम में लीफ बर्ड्स थी। पॉलिनेशन बाय वाटर डज नॉट टेक प्लेस इन, किस में पानी से पॉलिनेशन नहीं हो रहा? तो हमने कहा था लिली, वाटर लिली है, लोटस है, इन सब में नहीं होता, आईकॉर्निया, पिस्टिया।
An antirrhinum cross is made between pink flood and red flood plant. What will be the phenotypic ratio of offspring? ठीक है, antirrhinum में pink का cross red के साथ किया है, तो यहाँ से offsprings क्या बनेंगे? इधर का गैमीट कैपिटल R, इधर का गैमीट कैपिटल R स्मॉल R. The four possibilities are capital R, capital R, capital R, small r. तो basically दिख क्या रहा है मुझे? Red is to pink, one is to one. तीन red एक pink गलत, एक red तीन pink गलत, one red one pink one white गलत, one red one pink correct. Sex determination in birds. तो वैरायटी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन हमने पढ़ी थी, मेल हेट्रोगैमिटी, फीमेल हेट्रोगैमिटी. तो बर्ड एंड फिशेस का कैटेगरी था फीमेल हेट्रोगैमिटी, और उसके अंदर भी कौन सा वाला टाइप? जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप. नेक्स्ट, कोडॉन्स आर डीजेनरेट. तो डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन्स का क्या मतलब था? That some amino acids are coded by more than one codon. एक से ज्यादा codon exist कर रहा है, ये degeneracy थी. हमने कहा था non-ambiguous है. Non-ambiguous का मतलब था कि एक codon से तो एक ही amino acid आ रहा है, ठीक है? One codon codes for one amino acid. Unambiguous nature. Codon is written mRNA in a contiguous, continuously पढ़ते हैं बिना break के. And one codon codes for many amino acid. ऐसा नहीं होता है. इन ह्यूमन जीनोम टोटल लोकेशन वेयर सिंगल बेस डिफरेंसेस अकर, एस एन पीज की बात कर रहे हैं, तो दैट वॉज 1.4 मिलियन. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मैच. साइक्लोस्पोरिन ए मोनास्कस से आता है, गलत. टैटन ट्राइकोडर्मा से आते हैं, गलत. सिट्रिक एसिड एस्पोजिलस नाइजर से आता है, सही. लैक्टिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम, गलत. साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो ट्राइकोडर्मा से आ रहा था, टैटन्स मोनास्कस से आ रहे थे, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से आ रहा था, क्लोस्ट्रीडियम से हमने कहा था ब्यूटायरिक एसिड आता है. द चेंज इन नाइट्रोजीनस बेस ऑफ डीएनए, the change in nitrogenous base of DNA. तो DNA में by default हमने कहा था किसको देख रहे हैं हम? coding strand को. coding strand के लिए हमने क्या कहा था? GAG changes into GTG. coding strand में ये change आया था. ठीक है, template के अंदर क्या change आया? टेम्पलेट में हमने कहा था सी टी सी से सी यू सी हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस लग रहे हैं हमारे पास? जी यू जी से जी ए जी तो नहीं हो सकता, सी टी सी से सी ए सी यहाँ पे चेंज कर लेते हैं इसे. सी टी सी से सी ए सी ये हो सकता है. पहला वाला ऑप्शन जो है वो तो हमारा एमआरएनए का चेंज है, ठीक है, सी टी सी से सी ए सी हुआ है, जी ए जी से जी टी जी बना था, और इसी की वजह से आरएनए के लेवल पे हमने कहा था कि वो जी ए जी से जी बनता है. नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट विच कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, करेक्ट. मोस्टली स्ट्रक्चरल जीन्स इन यूकैरियोट्स आर मोनोसिस्ट्रॉनिक, करेक्ट. मोस्टली इन बैक्टीरिया स्ट्रक्चरल जीन्स आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, करेक्ट. एक्सप्रेस डीएनए सीक्वेंसेस आर इंट्रॉन्स, गलत. जो एक्सप्रेस हो रहे थे उनको एक्सॉन कहा था, तो ये मिल गया इनकरेक्ट. ऑर्किड इज ग्रोइंग एज एन एपीफाइट, तो ऑर्किड और मैंगो का रिलेशनशिप कमेंसलिज्म.
लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग, सबसे कम कॉन्ट्रीब्यूशन इन चारों में से किसने दी थी? लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज फॉर N2O. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस, राइस की वैरायटी? जया, जया एंड रत्ना वर सेमी ड्वार्फ राइस. सोनालिका एंड कल्याण सोना वर सेमी ड्वार्फ वीट. स्वर्णिम वॉज ब्रासिका वैरायटी. प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाई से क्या बना रहे थे, जिस चीज बना रहे थे? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर सीरल कम्युनिटीज? सिर्फ सीरल कम्युनिटीज बताना है, वो भी हाइड्राक का. तो स्क्रब स्टेज होता है, मार्श मेडो होता है, रीड स्वैम्प होता है. फाइटोप्लैंकटन पायनियर था, सीरल नहीं. फॉरेस्ट क्लाइमैक्स है, हमने कहा था इनके बीच वाले सारे सीरल हैं. तो ऑप्शन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम डाइवर्सिटी अमंग वर्टिब्रेट्स? तो पाई चार्ट हमने देखा था, मैक्सिमम इज फॉर फिशेस. ऑलराइट, सो दैट इज इट. दैट कंप्लीट्स ऑल द लेक्चर सीरीज. आई होप यू विल ऑल डू वेरी गुड. अपनी NCERT बहुत अच्छे से पढ़ना. लेक्चर वीडियोज और जो नोट्स हैं वो जाओ ऐप से सारे के सारे नोट्स डाउनलोड करके रखो. उन नोट्स को बार बार रेफर करो, मेमोराइज करो, एंड योर पेपर विल बी वेरी वेरी गुड. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी.